मैं शोमा घोष सिंह आतपुर हाई स्कूल कोड 1064 और आतपुर स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल कोड 1068 की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं द्वादश श्रेणी का और एक ठो पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है सीरीज के फूल। ये एक कहानी है, कहानी नहीं, ये एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और एक खड़ी बोली हिंदी में रचना है, जिसमें देखेंगे सीरीज एक वृक्ष है जिस वृक्ष के लिए ही लेखक ने लिखा गया है सीरीज के फूल को लेकर। सीरीज एक छायादार वृक्ष है। तो हम देखेंगे कि इस पाठ में सीरीज जो वृक्ष है वो बहुत ही बड़ा है, घना है और उसमें एक तो फूल आता है जिस फूल को छः महीना तक फूले रहते हैं वो। और क्या है, इस वृक्ष के बहुत चारों ओर दाएं माने पेड़ पत्ता बहुत सारे अनेक पेड़ है, लेकिन क्या है ये जेठ के धूप में जब चारों ओर के वातावरण एकदम अग्निकुंड जैसा रह जाता है तब कोई भी फूल फूलने का साहस नहीं लेता है। लेकिन सीरीज एक ऐसा वृक्ष है जो कि ये फूलों से लद जाता है। कबीरदास जी ने भी बहुत सारा इस फूल को लेकर लिखा है कि दिन दस फूला के फूली के खंखर भया पलाश, मतलब ये जो पलाश के फूल है ये भी दिन दस फूलते हैं उसके बाद एकदम खंखर, मतलब ये एकदम जैसे इसका पत्ता और फूल जो होता है एकदम सूख जाता है और कुछ नहीं रहता है। सीरीज के वृक्ष छायादार भी होते हैं। पुराने जो रईस मतलब जितने भी राजा महाराजा के राजा थे उनके भी बगीचे में हम लोग सीरीज के वृक्ष को देखते हैं। इसका उल्लेख हम कहाँ मिलता है, बृहत संहिता में मिलते हैं। जस तरह से अशोक अरिश पूर्णांग के वृक्ष भी उन लोगों के बगीचे में रहते थे, उसी तरह सीरीज के फूल को भी पाया गया है। संस्कृत साहित्य में मिला है कि ये बहुत ही कोमल होते हैं, कि इसमें यदि कुछ भी मतलब ये इसमें यदि एक भ्रमर भी आकर बैठता है तो वो टूट जाता है। लेकिन कालिदास ने क्या किया था, ये सीरीज के फूल को लेकर उन्होंने ये जो भी उनका कालिदास की रचना थी शकुंतला, शकुंतला दिखा गया है कि शकुंतला और महाराजा दुष्यंत से जब बिछड़ जाते हैं उस समय शकुंतला का एक चित्र महाराज दुष्यंत बनाया था, उसमें लगा था कि कुछ मतलब उसमें कुछ नहीं है। जब भी उसका एक चित्र बनाया था दुष्यंत ने तो उसमें दिखा गया था, लेकिन क्या नहीं था, उसमें देखा गया है कि सीरीज के फूल नहीं था। तो उस फूल को भी उन्होंने फिर लगाया था तो वो एकदम संपन्न लगता था, मतलब सीरीज का फूल इतना ही सुंदर था कि वो 6 महीना तक रह जाता है। और क्या है कि जैसे तुलसीदास जी ने भी इस सीरीज के फूल को लेकर बहुत कुछ कहे हैं कि इतना चारों ओर के कालाग्नि मतलब जो अग्निकुंड जैसा रह जाता है चारों ओर के वातावरण, उस वातावरण में एक ही जैसा फूल फूले रहते हैं वो है सीरीज के फूल। चारों ओर के हिलते दुलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन ये सीरीज सिर्फ 6 महीना तक फूले रहते हैं। एक एक बार तो लगता है कि वो जाने मतलब वो अभी जब क्या होता है कि एक फूल जब फूलते हैं वो जब उसका समय जब चला जाता है वो सूख कर क्या होता है गिरकर फिर उसमें फल आता है। लेकिन सीरीज के फूल के बारे में क्या देखते हैं कि वो सूख जाता है फल निकल आता है फिर भी वो जाने का नाम नहीं लेता है, वो अपना जगह डांटे मतलब जिस तरह से बैठे रहते हैं उसी तरह से वो अपनी जगह को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं और
लेखक कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जे कहीं कहीं समय लगता है कि ये हमारे समय का जैसे नेता मंत्री की तरह है, जिसको धक्का देकर उसके जगह से हटाना पड़ेगा। कई कई समय में कहता है कि सीरीज तो एक अवधूत जैसा है। बार बार प्रश्न आता है ये अवधूत क्या है। अवधूत है जो त्यागी सन्यासी, उन्हीं को अवधूत कहते हैं। और अवधूत के मतलब क्या होता है कि जो किसी भी प्रकार का त्यागी सन्यासी का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के जो चारों ओर के सामाजिक परिस्थिति का सम्मुखीन करना नहीं चाहते, वो तो अपने भाव जगत में ही रहते हैं, जिस तरह से सीरीज के फूल है। और क्या है कि कालिदास की जो मेघदूत काव्य है ना, उसमें भी हम लोग देखे हैं कि कर्नाटक की राज कुमारी प्रिय विज्जिका देवी ने भी कहा था कि एक तो ब्रह्मा, उन्होंने माना था कि एक ब्रह्मा है कवि, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास है। एक ने वेद को दिया था, एक ने रामायण को और दूसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त यदि कोई कवि है, मतलब कालिदास को तो कवि नहीं माने थे उन्होंने। और क्या है कि कालिदास ने श्लोक लिखा है कि जो भी मैं समझता हूँ कि वे बस मतलब कवि का कल्पना के अनुसार ये जो सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अवधूत, सुख से गदगद होता है, ये है सीरीज के फूल। सीरीज तो सचमुच एक पक्के अवधूत के भांति ही होते हैं, जो कि ऊपर जो सीरीज के जो वृक्ष हैं वो सचमुच पक्के अवधूत के भांति होते हैं। पक्के अवधूत तो मैं बोली हूँ कि सन्यासी, जोगी सन्यासी की तरफ ही है वो। चारों ओर के हमारे देश में जो मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराब का वंडर चल रहा है, उसके भीतर ही कोई भी क्या स्थिर रह सकता है? सीरीज रह सकता था। वो अपने देश का एक बूढ़ा भी रह सका था। मतलब बूढ़ा का मतलब कौन, किसको कह रहे हैं? उन्होंने गांधी जी को कह रहे हैं। और उन्होंने जो अवधूत को मतलब सीरीज के फूल के संग गांधी जी का तुलना किया गया है। गांधी जी भी एक अवधूत थे, मतलब त्यागी सन्यासी थे। उन्होंने जीवन में कुछ भी मतलब जो कुछ भी पार्थिव चीज़ को दूर हटाकर अपने जीवन को बहुत ही सरल साधारण सा जीवन यापन करते थे, उसी तरह सीरीज भी एक अवधूत है। और वो बूढ़ा मतलब स्वामी, एक्सक्यूज मी, वो बूढ़ा मतलब हम गांधी जी को कह रहे हैं। कई कई समय में सीरीज को भी सीरीज जिस तरह से वायुमंडल से रस को निकालकर वो अपने अंदर एक कोमल और कठोर बन जाता था, गांधी जी भी उसी समय में जिस तरह से देश का वातावरण था उसी वातावरण को लेकर भी मतलब अपने आप को सरल और कठोर रह सका था। आज भी लेखक कह रहे हैं कि आज भी जब जब सीरीज को उन्होंने देखते हैं तो तब तब एक ही बात उन्होंने उसके दिमाग में आते हैं कि वो आज अवधूत कहाँ है। आज के देश में वो अवधूत नहीं है, मतलब जो भी नेता मंत्री लोग हैं उन्हीं के विषय में ही कहा गया है कि आज को देश का रक्षा की सुरक्षा के लिए जो चारों ओर के वातावरण है उसको संभालने के लिए जिस अवधूत का ज़रूरत है वो अवधूत आज नहीं है। तो मैं आप लोगों को पिछले, इसके बाद हम इसके जो जो भी प्रश्न आएगा उसके विषय में सब कुछ आलोचना करूँगी, ठीक है? ओके।